हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटिल टेरेस गार्डन। और मैं आपकी गार्डनर दोस्त किरण। फ्रेंड्स देख रहे हैं क्रिसैंथेमम। फ्रेंड्स इसमें कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं और ये एक दो दिन में फ्रेंड्स खिल जाएंगी। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक प्लांट मेरा ये है गुलदावरी का और एक प्लांट ये है। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने सारी बर्ड्स आ रही हैं। गिनती करने में ही बहुत समय लग जाने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि मेरे पास एक प्लांट ये है, देख रहे हैं आप, जो कि इसमें आपको गिनी चुनी बर्ड्स नज़र आ रही है और देख रहे हैं आप ये बिल्कुल घना भी नहीं है, नहीं है ना। तो इसमें फ्रेंड्स क्या हुआ है कि मैंने फ्रेंड्स इस ऐसे प्लांट्स में से पिंच करके ये प्लांट्स लगाया था। और फ्रेंड्स दूसरा कि मैंने इसको, जैसे इसको मैं जब भी टेरेस पे आती थी तो मैं पिंच करती रहती थी समय समय पे इन दोनों प्लांट्स को। तो पिंचिंग करने की वजह से फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ कि एक्चुअली में सारी बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं और इसमें अब ब्रांचेस ज़्यादा थी तो इसलिए कलियाँ भी बहुत सारी आई हैं। और फ्रेंड्स इस प्लांट को मैंने एक्चुअली में ऐसी जगह रखा था कि मुझे जल्दी से ये नज़र ही नहीं आता था। और अब इसमें देख रही हैं आपकी ब्रांचेस भी कम है, तो आप सोच रहे होंगे शायद कि पॉट छोटा है। और इसके अकॉर्डिंग तो नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको छोटे पॉट में मैंने गुलदावरी लगा रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी छोटा पॉट है उतना ही बड़ा जितना बड़ा मेरा वो वाला पॉट था। तो फ्रेंड्स ये इसमें भी देख रहे हैं बहुत सारी ब्रांचेज हैं, कितना बुशी है और बहुत सारी कलियाँ इसमें भी फ्रेंड्स आई रही हैं, देख रहे हैं। तो एक्चुअली में जो प्लांट्स मेरे सामने पड़े मैंने उनकी समय समय पे पिंचिंग करी फ्रेंड्स, तो बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। तो छोटे और बड़े प्लांट से फ़र्क पड़ता है, बट इतना ही पड़ता है जिस तरीके से उसमें बहुत कम कलियाँ आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं इस तरीके से, अब इसमें जब भी फूल आएंगे तो बहुत सारी क्वांटिटी में आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जब भी हमारे प्लांट्स में कलियाँ आती हैं तो इनको खाना भी ज़्यादा चाहिए होता है फ्रेंड्स। तो आप इसमें मस्टर्ड केक डाल सकते हैं फ्रेंड्स महीने में एक बार, और खाद डाल सकते हैं, नीम खली डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से घर की बनी कंपोस्ट डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो इनको इनके हिसाब से डोज मिलती रहेगी। तो जो हमारे प्लांट्स में आने वाली कलियां हैं, फ्लावर्स हैं, ये बहुत अच्छे से खिलेंगे और हेल्दी खिलेंगे। और इनके फ्लावर्स जब ऑफ हो जाते हैं फ्रेंड्स तो उसकी ब्रांचेस काट दें थोड़ा सा नीचे से। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, नेक्स्ट फिर फ्लावरिंग के लिए वो ब्रांच तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे पास ये मार्च अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से चलती है। थोड़ा सा ख्याल रखें, कलियाँ आती रहेंगी और अच्छी हेल्दी आएंगी और फ्लावर्स भी अच्छे खिलेंगे। मैं आपको समय समय पे इसकी अपडेट देती रहूँगी किस मंथ में इसकी कैसी कलियाँ आ रही हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक इजीली पहुंचती रहे। बाय।